बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 ऑलरेडी हमने स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका लास्ट पार्ट है 8, ठीक है। उसकी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली है 3x-4y = 4, ठीक है। x+2y = 8। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करना होता है, क्रेमर लॉ अप्लाई करना होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी क्रेमर लॉ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई क्या करना है, क्रेमर लॉ को अप्लाई करना है सॉल्यूशन में एज इट इज़। यहाँ पे मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना लेने, तो यहाँ पे मैं ए का मैट्रिक्स बनाऊँगी। सबसे पहले ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट क्या है, 3 and 1 -4 and 2, ठीक है। ये मैंने ए का मैट्रिक्स बना लिया। एंड यहाँ पे मैं कैपिटल एक्स लूँगी, ठीक है, एंड एक्स एंड यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई, ये हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़, ठीक है। ए की हमने ले ली एक्स की, अब हमने बी की लेनी है। बी की कैसे लेंगे, ये जो लास्ट हमारे पास आए इक्वल के बाहर हैं, तो वो हमने हमारे पास यहाँ पे 4 and 8, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्रेमर ला के ज़रिए हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने मॉड लेना है, ठीक है, मक्ता लेना है। इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आप लोगों को बताया जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब इसको मैंने आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहाँ पे क्या आया, 3 2 हमारे पास आया 6। ये माइनस का साइन है, ऑलरेडी हमारे पास माइनस का साइन होता है -(-4), ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास क्या हुआ, प्लस, तो 6+4 = ये हमारे पास 10, एंड 10 does not = 0, सो ये हमारे पास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इसको मैंने कैसे करना है। यहाँ पे हमने ए एक्स की मतलब वो लेना है, मॉड लेना है, ठीक है। ए एक्स को मैंने लिया मॉड, बहुत इजी तरीका है। ये वाली वैल्यू सबसे पहले लेंगे और इसकी वैल्यू, इसको मैंने आप लोगों को पता करा था कि इसको हमने कैसे लिखना है, 3, 1, -4 and 2, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम ए एक्स ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्स का नेम दे रही हूँ, इसको वाई का, ठीक है। अगर हम ए एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी एक्स की जगह पर यहाँ पर आएगी, अगर हम y ले रहे हैं तो जो b की वैल्यू होगी वो y की जगह पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी मतलब रेज हो जाएंगी वैल्यूज़ और b की जस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं ले रही हूँ कि हमारे पास ए एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ए एक्स की मैं लूँगी, ए एक्स का मॉड, तो यहाँ पे मैं कैसे लूँगी, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ये मतलब रेज अप हो जाएंगी यहाँ पे, फिर b की वैल्यू इसको मैं ऐड कर दूँगी कि 4, 8, ठीक है ना। ए की वैल्यू के मैंने एक्स की जगह पर मैंने बी की वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 4 and 8 and -4 ये एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। अब ये मैंने ए एक्स की ली है, अब यहाँ पे मैं ए वाई की लूँगी, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, ए वाई की भी बिल्कुल इसी तरीके से है। मैंने 3 and 1 वैसे लेना है, जस्ट वाई की जगह पे मैंने चेंज करके बी की वैल्यू लिखनी है। बी की हमारे पास 4 and 8 है, तो यहाँ पर मैंने 4 and 8 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, मज़ीद सॉल्व यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई करना, ax = ax/a, ठीक है। ए के मॉड का आंसर यहाँ पे हमने 10 ले लिया है, तो यहाँ पे हमने ए एक्स की वैल्यू भी ऑलरेडी ले लिया है। ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू है एंड ये ए वाई की है, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक हमने अप्लाई करना है।